हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। तो जैसा कि आज हमारा जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि आपको अपडेट दिया जाए मोगरा प्लांट का, तो मैं दिखाऊंगा उसके बारे में बात करेंगे, क्या रहन टिप्स की भी बात करेंगे उसके बारे में, और क्या मीडिया सॉयल है, मतलब किस तरीके से इसकी केयर की जाए, सारी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ किए थे दो प्लांट, जिसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में है आप, और इसकी वीडियो का लिंक भी देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो ये मेरे जो हैं दो प्लांट थे, जो कि जैसे कि मैंने लगाए थे काफ़ी छोटे छोटे आए थे, पर इनकी हेल्थ माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से है, और अभी मैंने इनमें कुछ दिया भी नहीं है, कोई मतलब किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र अभी इसमें अप्लाई नहीं किया, बस खाली सिर्फ़ और सिर्फ फंगीसाइड वगैरह का इस्तेमाल ही किया है। वो करने का मेरा मकसद ये भी था क्योंकि इनके अंदर जो स्केलिंग बहुत मतलब प्रॉब्लम बहुत करती है, स्केलिंग गुलाब के अंदर तो होती है। बाद में मैं स्केलिंग की समाधान के बारे में वीडियो बनाऊंगा, इसके अगले दिन ही मतलब या 2 दिन के बाद ही बनाऊंगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका। तो इसका जो है हमारा मोगरा का प्लांट है ये, जो कि बेल नुमा चलता है, क्लाइंबिंग वाला है, शायद मैंने उसमें मंगवाया था, ये परचेस किया था, मतलब कि जो है वैसा बंच वाला ट्री टाइप का मिले, पर ये जो वाइन वाला मुझको जो है मिला था रिसीव हुआ, पर कोई नहीं, ये मेरा एक प्लांट है। और देखें आप इसकी हेल्थ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है, इसका पत्ता भी मतलब लीफ काफ़ी काफ़ी बड़े हैं। दूसरा प्लांट मैं दिखाता हूँ आपको कि ये मेरा दूसरा प्लांट देखें, ये भी कितना हेल्दी माशाल्लाह हुआ है, और देखें इसकी ब्रांचेस देखें आप कितनी मतलब जो है अच्छे से जो है इसकी ग्रोथ हुई है। तो इसकी रूट भी देख सकते हैं आप, कितनी बेहतरीन शानदार रूट निकली हुई है, और इसके अंदर किसी भी तरीके का मतलब जो कोई भी स्केलिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बारे में बताऊँ आपको कि मेरा एक प्लांट जो था, जैसा कि मैंने आपके साथ अपडेट किया था, उसको शिफ्ट कैसे करना है, और वो प्लांट मेरा ये रहा जो कि जिसको मैंने जो स्टैंड बनाने की कोशिश की थी, पर जो है ये नाकाम रहा, क्योंकि इसके अंदर देख सकते हैं आप पूरा का पूरा प्लांट मेरा सूख चुका है। और इसकी जो समस्या रही वो ये रही कि इसके अंदर स्केलिंग की प्रॉब्लम हुई, जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी स्केलिंग प्रॉब्लम जो है काफ़ी मतलब जो है इतनी जल्दी असर नहीं करती है, बट अगर जो है असर करती है तो फिर अगर लग जाए तो ये पेड़ को ख़त्म कर देती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा जैस्मीन का प्लांट है, और इसमें भी स्केलिंग ही हुई जैसा कि देखें आप, और ये अक्सर रोज़ प्लांट के अंदर क्या बरसात के दिनों में देखने को मिलती है। तो इसकी जो है देख रेख करने के लिए सीधा सा फंडा यही है कि पहली बात तो मिट्टी वेल ड्रेन लें आप इसके अंदर, और सॉयल भी मतलब जो है वैसी मीडिया जो तैयार करें, और उसके जो साइड से होल जरूर कर लें ध्यानपूर्वक, क्योंकि जो है अगर इसमें पानी रुकता है तब भी नमी के कारण जो है हमारी स्केलिंग हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो है ये कि इस पर फंगीसाइड का स्प्रे 15 दिन के मतलब गैप से करते रहें, ताकि जो है ये हमारा स्केल प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये मेरा पूरा के पूरा सूख चुका है, आपको दिखाऊं देखिए, और काफ़ी मेरे गुलाब के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं उसका वीडियो जल्दी ही 1-2 दिन में शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो ये मेरा स्टैंड जो बनाने का मकसद था वो सारा का सारा बेकार गया, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल मेरे पास अभी दो और मैंने जैस्मिन जो मंगा रखे हैं मोगरा के, मोगरा भी बोलते हैं, बेला भी बोलते हैं इसको, तो एक ये देखिए इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी है, और दूसरा ये मेरा इसकी हेल्थ भी अच्छी है, पर जो है ये थोड़ा सीधा सीधा क्लाइंबिंग टाइप में जा रहा है। पर हम इसको क्लाइंबिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ये जो हमारी बेड है इसको हम जो है पिंच कर देंगे, ये मैंने तोड़ दी, अब ये ऊपर को सीधा ज़्यादा नहीं जाएगा, अब ये इसकी नीचे से जो है छोटी छोटी शूटिंग्स और होना शुरू हो जाएगी, जिससे ये हमारा प्लांट जो है और बुशी हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं देखता हूँ इस वाले पर भी जो है ये जा रही हैं इसकी ब्रांचेस, पर मैं इसकी ब्रांच को जो है यहाँ से जो शूट है छोटी सी उसको मैं यहीं से पिंच कर दूंगा। ये पिंच प्रक्रिया जो है करना बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपके पास प्लांट है तो पिंच से जो हो जाता है वो आपका प्लांट जो है बुशी रहता है, और किसी भी तरीके की कोई समस्या की बात नहीं है अगर आप पिंच कर रहे हैं जैसे कि। और समय भी बढ़िया है इस समय पर जो है, बरसात अभी रो करके रुकी है, मौसम ठंडा शुरू हो चुका है फिलहाल, और ये देखिए ये मेरी इसकी पिंच मैंने कर दी है। तो इनका जो है सारा का सारा जो है क्या बोलते हैं इसका फर्टिलाइज़र वगैरह के अगर बारे में बात करूँ, तो अभी तक मैंने किसी भी तरीके का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, तो आप ग्रोथ देख सकते हैं इसकी बिना फर्टिलाइज़र के। और इसकी जो फ्लावरिंग होगी वो लगभग जो है गर्मियों के टाइम में शुरू होगी, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, और अभी भी मेरे ख्याल से हो रही है ऐसा फ्लावरिंग, पर जो अभी ये मैच्योर नहीं हुए हैं,
तो ये मेरा मेच्योर पेड़ था, प्लांट था, पर जो है क्या बताऊं कि इस पे स्केलिंग जो है अच्छे खासे से हुई और मैं आपको दिखाऊं इसको। ये देखिए, ये रेड सॉइल में लगा हुआ था। ये मेरे ख्याल से कलकत्ता की या पुणे के मतलब मिट्टी है, तो वहाँ का आया हुआ ये प्लांट था, ये यहाँ का लोकल का तैयार किया हुआ नहीं था फिलहाल। तो मैंने इसको निकाल दूंगा और इसको हटा दूंगा। और बाकी मैं आपको बताऊं, आपको जो मैंने सावधानियां बताई वो आपको बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बरतेंगे, नहीं करेंगे आप सारे प्लांट के साथ, आपको जो है वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके का फंगिसाइड यूज़ करना होता है। अगर आपको इस तरीके से आपको प्लांट अपना बर्बाद नहीं करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट भी इस तरीके से बर्बाद हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मतलब जो है ऐसे ही लगा करके छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं मतलब केयर लेती हैं, पर इस टाइम पर जो है बरसात के टाइम पर ज़्यादा केयर लेती हैं। और बाकी आप इन्हें लगा के छोड़ दें, कोई ज़्यादा मतलब केयर की ज़रूरत है नहीं इसमें, और बहुत अच्छे से जो ईजी टू ग्रो हो जाते हैं ये, तो काफ़ी अच्छे और शानदार लुक भी देते हैं अगर आप बुशी बनाएंगे तब। तो अगर आप बुशी नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको क्लाइंबिंग करके अगर आप चढ़ाना चाहते हैं, तो क्लाइंबिंग करके भी ये आपकी दीवारों पर जो है अच्छे से खूबसूरती देगा, और आपकी छत पे, रूफ टॉप पे, या फिर जो है टेरेस में आप अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव होता है। तो मैं आपको बताऊँ कि जो है ये प्लांट देखें आप, इसके अंदर मैंने जो है फंगीसाइड दिया था, तो इस वाले प्लांट के जब मैंने देखा कि इस तरीके से इसमें जो है स्केलिंग हुई है, तो मैंने उसके सावधानी बरतते हुए मैंने जब उसका फंगीसाइड दिया, तो इसके देखिए यहाँ से अभी किसी भी तरीके का जो है इस पर भी रोग लगना शुरू हुआ था, पर जो है अब कोई भी समस्या नहीं है इसमें, माशाल्लाह वो ठीक हो चुकी है। मैं पिछले एक महीने लगभग हो चुका है उसे यूज़ करते हुए, तो ये 2 या 3 स्प्रे में ठीक हो जाता है। हालांकि वो स्केलिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके उस पर हो, ये देखिए नींबू वर्गीय है, इस पर भी स्केलिंग हुई थी, पर इसकी भी अब जो है ये सूख चुकी है, खुशक हो चुकी है दवा डालने के बाद। और फंगीसाइड मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा अभी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से आपको जो है फंगीसाइड या फिर किस तरीके के मेडिसिन आपको यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिकली आप यूज़ कर सकते हैं या फिर जो है केमिकली यूज़ कर सकते हैं, दोनों के बारे में मैं आपको सारी डिटेल वीडियो बना कर दिखाऊंगा, और मैं ये भी दिखाऊंगा रिजल्ट किस तरीके से मेरे प्लांट जो है सर्वाइव भी हुए हैं। तो दोस्तों ये जो है हमारा फ़िलहाल आज का मकसद सिर्फ इसको था कि आपके साथ मोगरा की वीडियो शेयर करूँ, मैं आपको बताऊँ ताकि जो है देख सकें आप कि किस तरीके से मोगरा का प्लांट हमारा जो है मतलब बर्बाद हो चुका है। खैर कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ मतलब जो है जब कुछ हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, जैसे कि मुझे सीखने को मिला। अब मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ जो मुझे सीखने को मिला है और जो मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, चाहे एक्सपीरियंस रहे, चाहे मेरा दुर्भाग्य कहें, कुछ भी कहें, या फिर जो है बाई चांस, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपको जो है हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करें सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।